हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपको फैंटेसी क्रिकेट फैन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैच खेला जाएगा मुंबई और बड़ौदा के बीच, जो रणजी ट्रॉफी खेला जाएगा, उस मैच के बारे में आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा टीम दे पाओ जिससे आप अच्छी तरह से विन कर सको। फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रीम इलेवन के साथ साथ प्ले स्पॉट और हाला प्ले की टीम भी दूंगा, तो जो भी प्ले स्पॉट और हाला प्ले में ज्वाइन नहीं हुआ है वो अभी ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही अच्छे फैंटेसी ऐप है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए सारे जो डिटेल, सारे जो लिंक मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। आप हाला प्ले में ज्वाइन होते हैं आपको 100 रुपीज़ मिलेगा और यहाँ पर आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। और अगर प्ले स्पॉट की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, प्ले स्पॉट में ज्वाइन होते हैं आपको 25 रुपीज़ मिलेगा और यहाँ पर भी आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। चलिए फिर फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं दोनों टीम के बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुंबई की तरफ से बात कर ले तो फ्रेंड्स, मुंबई का उतना अच्छा सीजन नहीं गया है। यहाँ पर 4 मैच खेला, 1 हार गया और यहाँ पर सिर्फ 1 मैच जीता और लगभग यहाँ पर सभी हार गए। और यहाँ पर पॉइंट टेबल पे नंबर 8 पे खड़ा है। और यहाँ पर बड़ौदा की तरफ से बात करें तो फ्रेंड्स, बड़ौदा का अच्छा शुरुआत किया है यहाँ पर, जो पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पे खड़ा है। और यहाँ पर मुंबई ने अपना 15 मेंबर्स का जो नया स्क्वाड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर CSIO जो टीम पर जुड़ चुका है वो आपको आगे प्लेइंग लेवल में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर लास्ट में वीडियो कोई चेंज होगा, कोई इंजर न्यूज़ आएगा, शायद उसका वीडियो मैं आपको अपलोड ना कर पाऊँ, इसलिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जस्ट आपको सर्च करना है फैंटेसी क्रिकेट फैन, एंड उससे आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं दोनों टीम का क्या प्लेइंग इलेवन रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए देखते हैं पहले मुंबई का प्लेइंग इलेवन क्या रहेगा। उसके पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आपको जो 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड डिक्लेयर करते हैं वो पहले आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो 15 मेंबर्स का स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ ले जो कि टीम के कप्तान है। उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर देखिए तो टीम पे जुड़ चुका है, जो यहाँ पर इंडिया ए के खेले खेला के वापस आ गया, यहाँ पर टीम के जुड़ चुका है और मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जे बिष्ट है, आदित्य तार है, उसके बाद यहाँ पर कारकर है, उसके बाद सीमन डबी जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसके बाद पारकर, उसके बाद यहाँ पर कोडिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटी है, उसके बाद मारकर है, यहाँ पर डियास, उसके बाद यहाँ पर मीनाट, सुमन, उसके बाद भूमेन एंड यहाँ पर बाद्रे। तो यहाँ पर 15 मेंबर्स का स्क्वाड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, वो आपको आगे बताएंगे कौन कौन इनमें से प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं यहाँ पर जो मुंबई का प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मुंबई का प्लेइंग इलेवन, यहाँ पर देखिए जो आदित्य तारे टीम के विकेट कीपर है ओपन करेगा, उसके साथ साथ जे बिस्टर जो बहुत दो ही बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ जो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, टीम के कप्तान भी। और लास्ट में आपको बता दूँ जो लास्ट यहाँ पर जो खेला गया था 93 रन का पारी खेला था। उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर जो टीम के साथ जुड़ चुका है और मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एकनाथ करकर और धुरमिल कोथारी दोनों में से कोई एक खेलेगा, यहाँ पर जो धुरमिल का खेलने का चांस ज़्यादा है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, 2-3 टीम कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल लीग खेल रहे, ग्रैंड लीग खेल जो स्मॉल लीग खेल रहे या हेड टू हेड खेल रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को ही अवॉइड करके चलिए। उसके बाद यहाँ पर शिवम दुबे जो बहुत ही अच्छा फॉर्म में, मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर पहला जो मैच खेला गया था यहाँ पर 226 रन का पारी खेला था और उसके साथ बहुत अच्छे बॉलिंग भी कर लेते, तो यहाँ पर की प्लेयर है इस टीम के लिए। उसके बाद यहाँ पर शुभमन जो यहाँ पर ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आकाश है, उसके बाद डियास है, यहाँ पर कोठारी एंड यहाँ पर बाड्रे आलम। तो मेरे हिसाब से ही प्लेइंग इलेवन होना चाहिए, अगर स्क्वाड भी देख ले पर वुमेन और यहाँ पर ऑडी का खेलने का चांस कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं जो बड़ौदा का प्लेइंग इलेवन, वो भी आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़ौदा का प्लेइंग इलेवन, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो टीम के कप्तान देवधर ओपन करेगा और अच्छा फॉर्म में भी है आपको बता दूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो वागमोड ओपन करेगा उसके साथ साथ यहाँ पर दोनों ही अच्छे फॉर्म में भी है और अच्छा खेल रहा है। उसके बाद यहाँ पर सोलंकी आएगा, उसके बाद यहाँ पर शर्मा आएगा, उसके बाद यहाँ पर सबनील जो अच्छा ऑलराउंडर है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उसको यहाँ पर लास्ट जो मैच था उसमें 5 विकेट भी मिला था। उसके बाद यहाँ पर यूसुफ पठान आएगा जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फॉर्म में भी आपको बता दूँ, लास्ट यहाँ पर टेस्ट मैच में यहाँ पर 129 रन बनाया था और उसके साथ साथ उसको विकेट भी मिला था। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट जो मैच था यहाँ पर मितेश पटेल खेलते जो विकेट कीपर, तो मेरे हिसाब से यहाँ मिनल शाह को खेलना चाहिए, सन को खेलना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट मैच खेला गया था यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर मिनल शाह का खेलने का सन का खेलने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शोएब ताई और कुणाल पांडे, अगर कुणाल पांडे फ्रेंड्स आ गए और टीम के साथ अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कुणाल पांडे डायरेक्ट प्लेइंग लेन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चांस 60-40% है। तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप यहाँ पर स्मॉल लीग खेल रहे तो आप मात्र ट्राई करिए, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे 2-3 टीम कर रहे तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाट है, उसके बाद यहाँ पर अरोठी एंड यहाँ पर मेरीवाला है, मेरीवाला बहुत ही अच्छा बॉलर है आपको बता दूँ, सीजन बहुत ही अच्छा गया अभी तक। तो मेरे हिसाब से ही प्लेइंग इलेवन रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप स्क्वाड भी देख लें यहाँ पर जो बादशाही पठान है, उसके बाद सागर है, उसके बाद यहाँ पर कुमार है, इन लोगों का खेलने का चांस कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन का टीम मैंने जो बनाई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो ड्रीम इलेवन का टीम मैंने बनाई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो विकेट कीपर का यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विकेट कीपर का तीन ऑप्शन, यहाँ पर आदित्य तारे, उसके बाद यहाँ पर पिनल शाह एंड यहाँ पर मितेश पटेल। तो यहाँ पर जो लास्ट दो है, तो इन लोगों का खेलने का चांस दोनों का यहाँ पर है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आप आदित्य तारे के साथ चलिए, जो सेफ ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने पाँच बैट्समैन लिया है, श्रेयस अय्यर, उसके बाद किया देवधर, उसके बाद यहाँ पर आदित्य को, उसके बाद यहाँ पर यूसुफ पठान एंड यहाँ पर नीचे शुभमन को लिया है। अब चाहे पर आप चाहे तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ ललित का चॉइस बन जाते हैं, अब उसको यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने दो ऑलराउंडर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं शिवम दवे को और यहाँ पर सपनल सिंह को। आप चाहे तो आप अपने रिक्स पर यहाँ पर कुणाल पांडे को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने तीन बॉलर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जी मेरी वाला जो अच्छा बॉलिंग कर रहा है उसको लिया है, उसके बाद डियास को एंड यहाँ पर स्वेप तागियो। आप चाहे तो यहाँ पर किसी को बैठा के भट्ट का चॉइस बन जाता है, उसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको टीम पे भी यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कप्तान यहाँ पर बनाए हुए जो शिवम को, जिसका अभी तक अच्छा सीजन गया है, अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उसके साथ साथ अच्छा बैट्समैन भी है। और यहाँ पर वाइस कैप्टन एस सिंह को बनाए हूँ। फ्रेंड्स आपके पास चॉइस है, जैसे यूसुफ पठान का चॉइस है जो लास्ट मैच में 100 किया था, उसका चॉइस यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर तारे का चॉइस है और यहाँ पर श्रेयस अय्यर जो टीम के साथ जुड़ चुका है उसको भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना अपना कैप्टन बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लेते हैं यार, जो प्ले स्पॉट की टीम मैंने बनाई है वो भी आपको दिखाए थे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर हमारा सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाए थे आपको प्ले स्पॉट का टीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सेम ही टीम है, यहाँ पर पांच बैट्समैन लिया है मैंने, आदित्य वाघमोड, उसके बाद यहाँ पर केदार देवधर, उसके बाद श्रेयस अय्यर, यहाँ पर रंजन है एंड यहाँ पर नीचे यूसुफ पठान, उसके बाद सेम तीन बॉलर देख सकते हैं भाट को, उसके बाद यहाँ पर मेरियोला, यहाँ पर डियास को, उसके बाद सेम दो ऑलराउंडर शिवम डाबी, उसके बाद शुभमन सिंह एंड यहाँ पर सेम ऑलराउंडर यहाँ पर विकेट कीपर आदित्य तारे को। आपको यहाँ पर देखिए जो कप्तान वाइस कैप्टन सेम बनाए, यहाँ पर स्टार प्लेयर जो शिवम डाबी को एंड यहाँ पर जो कप्तान शुभमन सिंह को। आपको यहाँ पर टीम पी भी यहाँ पर दिखाई दे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके पास चॉइस है और भी, जैसे यूसुफ पठान का चॉइस बन जाता है जो लास्ट में बहुत ही अच्छा 100 का पारी खेला, उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी चॉइस है, जैसे आदित्य तारे जो विकेट कीपर है उसका भी चॉइस बन जाता है। तो फ्रेंड्स अपना अपना कैप्टन बना लीजिए। तो फ्रेंड्स जो भी जानकारी था, जो भी डिटेल्स था मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरा वीडियो, और थैंक यू सो मच।